नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट या कथन को बताना। जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें जो दो कैरेक्टर या तीन कैरेक्टर होते हैं, तो जो कैरेक्टर है जैसे ही इज़ गोइंग टू विलेज, सेड राम, यानी राम ने कहा वह गांव जा रहा है। तो इस तरह से हमें स्टोरीज़ में मिलती है कई सारे सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स, जिसे हम नरेशन कहते हैं, जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती हैं। आइए बात करते हैं, ये तो थे नरेटिव के मीनिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं नरेशन में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जो भी स्टेटमेंट्स जो लिखे रहते हैं जो नरेशन में, उसमें दो पर्सन या फिर तीन पर्सन भी हो सकते हैं। देखो, सपोज़ दैट मैं आपको समझाता हूँ कि दो व्यक्ति हैं, अगर इसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैं अपना काम पूरा किया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसने ये कहा, वो डायरेक्टली बोल रहा है डायरेक्ट किसी से, तो जो सामने वाला पर्सन है उसने उस बात को सुना, तो वो इनडायरेक्टली जब कहेगा तो वो इसका नाम, अब इसका काम ख़त्म हो गया, जो जो डायरेक्टली बोल रहा था उसका काम ख़त्म। अब इनडायरेक्टली कौन बोलेगा? सामने वाला थर्ड पर्सन। तो वो व्यक्ति इसकी बातों को किस तरह से कहेगा कि उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, वह स्कूल गया, उसने अपना काम पूरा किया, इस तरह से वो इनडायरेक्टली बताएगा। ओके, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। देखो, सेंटेंस में एक जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो लिखा होता है वो रिपोर्ट करता है कि कौन किससे कह रहा है, और बाकी की चीज़ें जो भी वो पर्सन कर रहा है वो जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होता है उसे हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली बोला जा रहा है। अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब की चीज़ों को हटा दें तो आपका सेंटेंस जो बनेगा वो रिपोर्टेड स्पीच में रह जाएगा, जो कि डायरेक्टली बोला जाएगा उसको। वो व्यक्ति जो कह रहा है वो डायरेक्टली बोल रहा है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। आपने समझ लिया? फिर से समझाता हूँ मैं आपको। इस सेंटेंस में ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी टायर्ड, कौन किससे कहा, किसने कहा और क्या कहा? देखो, आई एम वेरी टायर्ड जो है वो डायरेक्ट बोला जा रहा है, अभी मैंने पहले बताया। और किसने कहा? वही व्यक्ति जो डायरेक्ट रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब में भी है, यानी कि ही यहाँ पे आई के फॉर्म में बोल रहा है। तो जब भी किसने कहा और क्या कहा, जब ये मैच कर लोगे आप, तो उसको डायरेक्ट वाले सेंटेंस में वो इनडायरेक्ट वाला सब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा, यानी कि आई को ही रिप्लेस कर देंगे ही से, क्योंकि वही व्यक्ति है। अब क्योंकि अब डायरेक्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि अब वो बताने वाला व्यक्ति है, क्योंकि जिससे बोला गया था मी से बोला गया था, अब वो मी वाला व्यक्ति इनडायरेक्टली इसको बोलेगा, तो वो आई एम वेरी टायर्ड की जगह आई नहीं कहेगा, क्योंकि वो अब खुद नहीं है, अब वो इनडायरेक्ट बोलेगा, तो इसलिए ही प्लेस करेगा, इसीलिए वो ही यहाँ आ जाएगा, आई से रिप्लेस होकर बदल जाएगा। ओके, जो भी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट और आई के फॉर्म में होगा और वी के फॉर्म में होगा, तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज हो जाता है। जैसा यहाँ पे आई हो जाएगा ही से, तो हो जाएगा यहाँ पे ही। वहाँ ही के फॉर्म में अगर कुछ भी होता तो आई उसी फॉर्म में चला जाता। ओके, और ये इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। दूसरा रूल ये है कि सेड टू को हटाकर हम टोल्ड करेंगे, याद रखिएगा, सेड टू को हटाकर टोल्ड, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी और कॉमा की जगह पे दैट, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। तो ही टोल्ड मी दैट, आई को क्या करा गया था अभी को, ही से बदल कर ही कर दिया गया था ही, और इज एम आर को हम बदल देंगे वॉज या वेयर में, हमेशा इज एम आर को बदल देंगे वाज या वेयर में। तो बताइए, ही जब लग गया तो क्या वाज या वेयर क्या लगेगा, कौन सा कंडीशन लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा? सिंगल के साथ वाज, तो ही सिंगुलर प्रोनाउन में आता है, इसीलिए वाज, और बाकी सेम सेंटेंस उतारेंगे वेरी टायर्ड, बस दैट्स परफेक्ट। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और समझते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ टीचर, तो ही टोल्ड मी दैट, आई को ही करेंगे ही वॉज अ टीचर, आई एम को करेंगे वॉज, क्योंकि यहाँ पे ही है। दूसरा, यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी स्ट्रांग, तो आई को यू से रिप्लेस करेंगे, यू हो जाएगा, मैंने पहले बताया था जो होगा वही, तो यू टोल्ड मी दैट यू वेयर वेरी स्ट्रांग, यू के साथ वेयर। ओके, थर्ड, ही सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम एन इंजीनियर,
तो ही सेड टू हर को ही टोल्ड हर दैट कॉमा के बाद, अब आई को हम फिर करेंगे ही से, यानी कि ही हो जाएगा, ही वॉज एन इंजीनियर। तो नेक्स्ट सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ फूड लवर, शी टोल्ड मी कॉमा की जगह दैट, आई को बदलेंगे शी से तो शी हो जाएगा, उसके बाद वॉज लगाएंगे, शी वॉज अ फूड लवर। नेक्स्ट शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड, तो बनाइए इसको सी सेड टू हिम को सी टोल्ड हिम और कॉमा की जगह दैट, आई को रिप्लेस किया शी से सी हो जाएगा, तो एम को वॉज शी वॉज एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड।